students, today we are going to discuss about miscellaneous exercise, chapter 10, straight lines, class 11, question 12. Find the equation of the line passing through the point of intersection of the line that has equal intercept of the axis. Intersection, point of intersection means दोनों के आप x और y की वैल्यू निकाल 4x plus 7y minus 3 2x minus 3y plus 1 is 0 इक्वेशन यहां से आप अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दो 4x plus 7y minus 3 4x minus 6y plus 2 इसको उधर ले जाओ उधर ले जाने में ये माइनस हो गया माइनस कर देंगे तो ये कटा 7 और 6 13 इज 5 तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5/13 14 इक्वेशन 1 y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए 4x plus 7 5/13 इज 3 कितना आया x is 1/4 3 minus 35/13 LCM लेके सॉल्व करना 39 minus 35 is 4/13 is 1/13 तब का पॉइंट्स क्या आया x y is 1/13 and 5/13 क्या कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली फिर क्या है दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एक्सिस पे हमने इसकी क्या निकाल दी है इक्वेशन एक्सिस पे हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो आप एक बार देख इक्वल इंटरसेप्ट कब आएंगे जब हमारा टेंजेंट 45 होगा या 135 होगा ठीक है स्लोप हमारा क्या हो बनो तभी तो इक्वल आएंगे तो आप लेंगे स्लोप इज एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 135 डिग्री ठीक है तो आप यहां लिखिए y माइनस y1 इज स्लोप ऑफ x माइनस x1 एंड नेगेटिव केस यहाँ तो होगा प्लस का वन यहाँ होगा माइनस का वन प्लस माइनस वन पे ही हमारे इक्वल इंटरसेप्ट होते हैं तो आप दूसरा केस यहाँ लीजिए वाई माइनस वाई वन इज स्लोप ऑफ एक्स माइनस एक्स वन इक्वेशन निकालिए कितना आ जाएगा वाई माइनस थर्टीन वाई माइनस फाइव इज थर्टीन एक्स माइनस वन बोथ साइड से जो 13 एलसीएम था वो हमने कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर आया 13x माइनस 13y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हेयर 13y माइनस 5 इज माइनस 13x प्लस 1 ऐसे ही बोथ साइड से 13 एलसीएम हमने कैंसिल करा एंड इक्वेशन इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन इज आवर आंसर क्या करना आपने इक्वल इंटरसेप्ट मेन से वन और माइनस वन मतलब टेंजेंट 45 और टेंजेंट 135 एंगल पे इक्वल इंटरसेप्ट होगा हमारा तो आप एक वन लोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव x1 y1 जब वो कर रहा है इंटरसेक्शन टू लाइंस का है तो वहां से x और y की वैल्यू निकाल लो जो पॉइंट आएगा वो हमारा पॉइंट्स हो जाएगा x1 y1 इक्वेशन निकल जाएगी अब आप यहां जाइए क्वेश्चन नंबर 13 शो दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन वाई एक्स इज एम प्लस माइनस टेंजेंट थीटा वन प्लस माइनस एम टेंजेंट थीटा एज वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज क्या होगा टेंजेंट थीटा एम माइनस एम वन वाई में वन प्लस टू एम एम वन यही चीज होती है टेंजेंट थीटा इज एम माइनस एम वन बाय वन प्लस टू एम
मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार आपका क्या होगा ये प्लस का होगा, एक बार माइनस का होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे टेंजेंट थीटा प्लस माइनस एम माइनस एम वन बाय वन प्लस टू एम एम वन, ठीक है। क्या है आपका टेंजेंट थीटा इज दिस, तो आप एक पॉजिटिव केस लेंगे एक नेगेटिव केस लेंगे। पॉजिटिव केस में आपका आया एंड नेगेटिव केस में आप लोगे एम माइनस एम वन बाय वन प्लस टू एम एम वन, ठीक है। ये केस होने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप टेंजेंट थीटा इज एम माइनस एम वन वन प्लस एम एम वन होता है हमारा, ठीक है। एक बार पॉजिटिव केस एक बार नेगेटिव केस ले लेते हैं, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा प्लस एम एम वन टेंजेंट थीटा इज एम माइनस एम वन, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बना, यहाँ से आप इसको एक साइड ले लीजिए, टेंजेंट थीटा कॉमन लिया हमने, टेंजेंट थीटा एम एम वन टेंजेंट थीटा इज एम माइनस एम वन, ऐसे यहाँ पे आप लीजिए टेंजेंट थीटा प्लस एम एम वन टेंजेंट थीटा माइनस एम प्लस एम वन। तो हमारा एक साइड लीजिए, इसको क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा एम एम वन टेंजेंट थीटा प्लस एम माइनस एम वन इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या दिखाना है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एम की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, एम की वैल्यू आपकी कब निकलेगी, आपने यहाँ से एम की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो आप यहाँ से m1 की वैल्यू निकाल लीजिए। m1 की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, इन दोनों में देखिए आप, m1 कॉमन आ जाएगा, बाकी टर्म को उधर ले जाओ। m1 को हमने कॉमन लिया, क्या आया 1 प्लस m टेंजेंट थीटा इज m माइनस टेंजेंट थीटा, ये m प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया। m1 क्या आ गया आपका यहाँ से m m माइनस टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस m टेंजेंट थीटा, ऐसे ही आप यहाँ से इन दोनों में से m1 को कॉमन लीजिए। m1 को कॉमन लिया तो आपका आया m टेंजेंट थीटा माइनस 1 इज माइनस m प्लस टेंजेंट थीटा। आप यहाँ से माइनस एम वन लीजिए, माइनस एम वन इज माइनस एम प्लस टेंजेंट थीटा बाय में वन माइनस एम टेंजेंट थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपकी एम वन आ गई। देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आप उसकी तरह प्लस माइनस और माइनस प्लस लगा सकते हैं। नीचे क्या है प्लस माइनस, अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा। तो y बाय x, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y बाय x इज m प्लस टेंजेंट थीटा बाय में वन माइनस टेंजेंट थीटा, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। क्या करना है, हमने टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हमें याद है, एम माइनस एम वन बाय वन प्लस एम एम वन प्लस माइनस, ये पॉजिटिव केस ये नेगेटिव केस, दोनों से हमने एम वन की वैल्यू निकाली और कंपेयर करके अगर हम ऊपर प्लस की लेते हैं तो देखो ऊपर क्या लगा प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, वाई बाई एक्स क्या आ गया एम, ठीक है। ये हमने एम रख दिया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 इज इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग इज डिवाइडेड बाय द लाइन। तो सबसे पहले आप इसको मान लो के रेशियो 1 डिवाइड करता है,
आपकी लाइन है माइनस वन वन एंड बी है फाइव सेवन, आपने रेशियो माना के रेशियो वन डिवाइड करता है, तो आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाय एक्स प्लस एंड एम टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन वाई में एम वन प्लस एम टू इज वाई। क्या मिला आपका? फाइव के माइनस वन वाई के प्लस वन एंड सेवन के प्लस वन वाई के प्लस वन। ठीक है, अब ये है आपका x और y इक्वल, यहां से उसने कहा x प्लस वाई इज फोर, तो आपका बना 5k माइनस वन k प्लस वन, 7k प्लस वन k प्लस वन इज फोर। k प्लस वन आपने एलसीएम लिया, 5k माइनस वन 7k प्लस वन 4k प्लस फोर, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बना 7 और 5 12 में से 4 गया 8। ठीक है, 1 से 1 कट गया अपना इज 4, k इज 1 बाय 2, यही हमने निकालना था। तो क्या रेशियो हो गई हमारी थी, k रेशियो 1 थी, k 1 बाय 2 रेशियो 1 है, तो क्या बना 1 रेशियो 2, क्या बन गया आपका 1 रेशियो 2। ओके, हो जाएगा किसका कौन सा रेशियो डिवाइड कर रहा है इसको 1 रेशियो 2। क्या करना आपको, k रेशियो 1 हमने लेट कर दिया, सेक्शन फार्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया, k की वैल्यू आ गई, पुट करी 1 बाय 2 इन रेशियो 1 इज 1 रेशियो 2। क्वेश्चन 15 इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट्स अलोंग द लाइन। अब देखिए ये पॉइंट्स तो हम बाद में लेंगे, पहले इन दो इक्वेशनों को लीजिए, यहाँ सिर्फ 2x is equal to y आया, इसको पुट कर दो आप 4x plus 7y plus 5 is equal to 0। ठीक है, पुट कर दो इसमें, तो 4x plus 7 into में 2x plus 5 is equal to 0, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 7 to जा 14, 14 और 4 18x is 5, x आ गया minus 5 by में 18। ठीक है, y is equal to 2x, 7 to जा 14, कितना बना minus 5 by 18, इसको यहाँ पुट कर दें, put in 1, 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आया minus 5 by 18 is y, कितना है y is equal to minus 5 by 9, and point क्या बना 5 by 18, 5 by 9 is x y, और एक पॉइंट उसका पहले से ही गिवन है, क्या 1 2, एंड x1 y1 इज 1 2। तो आप डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस इसको मान लीजिए आप p पॉइंट, इसको मान लीजिए q, p q इज स्क्वायर लीजिए आप, ठीक है, p q का स्क्वायर इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 259 का स्क्वायर, यही बनेगा 18 प्लस 5 23 बाय 18 का स्क्वायर, 23 बाय 18 का स्क्वायर प्लस 9 टू जा 18 और 5 23 बाय में 9 का स्क्वायर, कितना बनेगा आपका 23 का स्क्वायर, आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 529, तो ऊपर बना आपका 529, 9 का होता है 81, और 18 का स्क्वायर क्या होगा आपका 324, यहाँ बनेगा आपका 324। आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कीजिए, क्या एलसीएम आएगा आपका यहाँ 81 का 324 का, आप एलसीएम लीजिए
9 से 9 3 जा 27 9 4 जा 36 3 की लगी 9 6 जा 54 9 9 जा 9 4 जा 36 81 4 जा 81 4 जा 3 2 4 आ गया ठीक है 5 2 9 प्लस 4 9 जा 36 3 4 2 जा 8 और 3 11 1 4 5 जा 20 और 1 21 4 5 जा 4 9 जा 36 3 4 2 जा 8 और 3 11 1 4 5 जा 21 कितना बना 9 और 6 15 9 2 और 1 3 और 1 4 9 6 15 3 और 1 4 5 और 1 6 2 3 2 4 नीचे तो बना आपका 18 का स्क्वायर ऊपर कितने का बना आपका ये 3 2 6 4 5 ये देख लो आप 2 6 4 5 5 10 अब फिर आपका कितने का बनेगा 5 5 जा 25 ये तो आपका पॉइंट में आएगा आप देख लीजिए आपका क्या आंसर आएगा यहाँ 23 बाय 18 रूट 5 कितना बनेगा 23 इसका स्क्वायर बनेगा तो आपका डिस्टेंस बना PQ is 23 root 5 by 18 क्या किया हमने एक बार आप फिर देखिए सबसे पहले तो हमने किया यहां से y की वैल्यू निकाली y की वैल्यू निकाल कर हमने इसमें पुट की x की आ गई वो x की वैल्यू फिर इसमें पुट की आपके पास एक पॉइंट आ गया एक पॉइंट पहले से भी गिवन है तो आपने दो पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया बस डिस्टेंस फॉर्मूला में थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी थी वो आप ध्यान से कर लेना ठीक है अब आ जाइए सेम प्रोसीजर इन 16 क्वेश्चन फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट शो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन एक्स प्लस वाई इज 4 may be at a distance of 3 units from these points. ठीक है ये बाद की बात है कि वो 3 units distance आएगा पहले आप इसमें देखिए इसमें हमने स्लोप m ले लिया स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ पॉइंट माइनस 1 2 इज n इक्वेशन क्या बनेगी y माइनस y1 इज स्लोप ऑफ x माइनस x1 तो क्या बनी mx माइनस y प्लस 2 प्लस m माइनस 2 तो वहां से y की इक्वेशन आपके पास क्या आई mx प्लस m प्लस 2 ठीक है और आपके पास दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज 4 पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 पुट करने से आपके पास क्या आएगा यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप mx प्लस m प्लस 2 इज 4 x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं x इज 4 माइनस 2 इज 2 माइनस m y में 1 प्लस m ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए पुट इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में पुट करने से हमारे पास क्या आएगा y इज m 2 माइनस m 1 प्लस m प्लस m प्लस 2 1 प्लस m हम एलसीएम लेंगे 2m माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2m y में 1 प्लस m स्क्वायर से m स्क्वायर 2 3 और 2 5m
क्या बना आपका 5m plus 2 by 1 plus m 2 3 2 5m plus 2 by 1 plus m। अब आपके पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर x y इज क्या बने आपके, x क्या है आपका 2 minus m 1 plus m एंड 5m plus 2 1 plus m। अब गिवन क्या है, एक पॉइंट्स तो ये है और दूसरा पॉइंट्स गिवन है उसका हमने मानना है दूसरा x और y और उसका डिस्टेंस क्या है 3। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस y इज 4। ठीक है, x प्लस वाई हमारा 4 है, मे बी डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट्स गिवन है, ये x1 y1 लीजिए एंड x2 y2 क्या गिवन है आपका -1 और 2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, 3 का स्क्वायर इज 2 माइनस m 1 प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 m प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं इधर से रफ करती हूँ, तो आप इधर सॉल्व कीजिए उसको, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 9। इधर सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए पहले आप, 2 माइनस एम प्लस 1 प्लस एम बाय 1 प्लस एम का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 बाय m प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से आपका m प्लस 1 का आपका आ गया एलसीएम, इधर आपका हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 से 2, 5 से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर। 9 कॉमन लेके बोथ साइड से हमने कैंसिल कर दिया, ये चीज बची। इधर हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाया, यहां से आप देखिए आपका क्या आया, m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2m इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या आई आपकी 0। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट से एक इक्वेशन निकालेंगे, इस पॉइंट का हमने स्लोप लेट किया m, तो क्या बना y माइनस y1 इज स्लोप ऑफ x माइनस x1। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई, y की वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशनों से x y की वैल्यू निकाल ली हमने इन द केस ऑफ m। तो वो वैल्यू आने के बाद उसने बोला एक पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स है तो 3 का स्क्वायर इज, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने इन दो पॉइंट्स में। ठीक है, x2 y2 और x1 y1 में, यहां से हमने इक्वेशन सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लिया।